दाल चावल बहुत मजे के बने, मैंने मूंगफली की चटनी भी पीसी, मजेदार। आ जाओ, भूख नहीं है, खा लो। मुझे पता तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, शाबाश मेरा बच्चा। आ जाओ। आती हूँ। फरहत, ए फरहत, सुन रही है मेरी बात? अम्मा कहती थी मगरिब के वक्त रोना तबाहियां और बर्बादियां लाता है। ये बड़ा नाजुक वक्त होता है मेरी बच्ची, दिन के लिबादे पर रात का लिबादा चढ़ रहा होता है। हाँ, आप तो इसलिए भी मुतमईन है ना, क्योंकि आप तो चाहती नहीं थी कि कभी मेरी शादी हो। सारी जिंदगी मेरी कमाई खाने के ख्वाब जो देखे थे आपने। मैं उल्टे हाथ का थप्पड़ दूंगी ना, मुंह टेढ़ा हो जाएगा। माँ से बात कर रही है तू? माँ से ऐसे बात करते हैं माँ से? अरे उस मनहूस की बीवी जेवर खा गई तो क्या करूं, खून कर दूं उसका और खुद जेल चली जाऊं? इतनी तो सुनाई है उसे और वो उसके दो नंबर माँ बाप को, पर वो इतने बेगैरत लोग हैं कि जलील होने को बायज़ इफ्तिखार समझते हैं अपने लिए। मम्मी कैसे हुआ मेरे से होगा बंदोबस्त? भाई मैं कह दूंगी फरखंदा को साफ साफ कि हमारा जेवर चुरा लिया बहू ने। खुदा का वास्ता है, वो अलग टाइप के लोग हैं, उनके सामने ना ये अपनी गंवारों वाली बातें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो तो सोचेंगे हम ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो कहती हूँ कि इस चुपकली से निकलवाए ना, सख्ती करे। कैसे नहीं देगी, मैं कह रही हूँ वो दे देगी। फरहत, छोड़ दे जरा, पकड़ से जरा, छोड़ दे प्लीज। चोर की बच्ची कहाँ है जेवर? मुझे कहाँ है? छोड़ दे, शराफत चला के दे दे मुझे, वरना तेरी लाश जाएगी इस घर से। क्या कर रहे हो? छोड़ दे, कह रही हूँ। अभी क्या कर रही हैं आप? अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये भी ख्याल नहीं है कि सामने जवान जहान कमारी बहन खड़ी है और इनकी बेगैरतियां देखो जरा। इसी वजह से जलजले आते हैं, इसी वजह से बर्बादियां होती हैं, इन्हीं आवारगियों की वजह से। ये वीडियो अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो गई ना तो खुदा की कसम लोग घर जला देंगे आके हमारा। हाँ हाँ, तो जाके बता देना उन सोशल मीडिया वालों को कि आके तेरी माँ का सर मुंडे और उसे गधे पे बिठा ले, क्योंकि उसने तेरी ड्रामाबाज बीवी के शान में गुस्ताखी की है। अरे भाई जेवर खा गई है ये, मेरा सारा डकार गई है। हाँ तो हमारे यहाँ का कौन सा जेवर था? सारे का सारा जेवर तो सामिया के यहाँ का था। मुझे बता रही है। सुनिए, तुम कितनी बदतमीजी से अम्मी से बात कर रहे हो इस छिपकली के लिए? और तुम लोग जो कर रहे हो वो सब बहुत अच्छा है, और इस सब में तुम्हारा कसूर है। तुम्हें आदत है ये गेट खुला छोड़ने की। पिछली बार भी जब तुमने गेट खुला छोड़ा था तो कोई मेरी बाइक ले गया था। अम्मी हर वक्त अपने कमरे में होती हैं और तुम हर वक्त वो टीवी ड्रामों में मसरूफ होती हो, होश नहीं होती तुम्हें, और मेरा कमरा बिल्कुल सामने है। ये जो रोने धोने वाली मनावटी किस्म की औरतें होती हैं ना, सारे फसाद की जड़ यही है। और बेटा तुम पर तो शाबाश, तुमने तो जन मुरीदी के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे मोहब्बत जता रहे हो जैसे जन्म मैंने नहीं इसने दिया हो। चल फरहत, हल्का मत लीजिए, कल तक सारा जेवर सामने रख देना। चल ना। कुछ नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। शाबाश है बेटा, आखिरी वाले दिन भी कहियो
कि तुझे इसी माँ के नाम से पुकारा जाए, जहन्नम रसीद होगा इंशाल्लाह। मुझे कोई उंगली भी लगाता है ना तो मेरी आंख खुल जाती है यार। तुम कैसे खरगोशों की तरह खराटे ले रहे थे? खरगोश खराटे लेते हैं क्या? हाँ, मैंने पाला था ना एक मोटू गोल गप्पू सा खरगोश। जब वो ज्यादा खाना खा लेता था ना तो उसे नींद आती थी, फिर जब सो जाता था तो तुम्हारी तरह खराटे लेता था। सुनो, तुम आज मेरे लिए खड़े हुए तो कसम से एक एनर्जी सी भर आई है मेरे अंदर। मेरा दिल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी रह सकती हूँ। क्या हुआ? यूं लगा जैसे मोहब्बत ने पहली बार चुपके से छू लिया हो। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे हमेशा लगता था कि मोहब्बत जस्ट एक ट्रेलर है, लेकिन ये तो फुल लेंथ फिल्म है, हमेशा चलने वाली। फ्लो में पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा हूँ। अच्छे लगते हो तुम रोमांटिक होकर। तुम भी सच में तुम्हारी चेहरे की सॉफ्टनेस जो है ना वो और बढ़ जाती है। और लड़कों को ऐसे होना चाहिए, लड़कों को झेंपना, शर्माना और बस मोहब्बत करनी चाहिए। चलो बाइक पे कहीं घूमने चलते हैं, खूब मजा करेंगे, घूमेंगे, कुछ खाएंगे और सस्ता सा। पक्का? हाँ ना, और कपड़े चेंज ना करना, इन्हीं कपड़ों में चलते हैं। हाँ चलो चलो। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.